चलो देखना, तो ये था हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू 20/21। तो टेन किसके इक्वल हो जाएगा, पी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो फिर वही रेशो हटाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो पी की वैल्यू 20x हो गई और बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 21x। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनिस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनिस हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 29x आ गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 3 अपॉन कितनी आनी थी, 7। तो मैंने तुम्हें कल भी समझाया था क्या, कि जो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू आप निकाल लो। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी थी 20x और इसकी वैल्यू कितनी थी 29 है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20/29। फिर वही कॉस थीटा की वैल्यू कल वाली ट्रिक से भी लगा सकते हैं कि ट्रिपलेट बन रहा है, अगर ये 20/29 है तो वो कितना हो जाएगा, 21/29 हो जाएगा, नहीं तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू 29 अपॉन एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा 21/29। बस दोनों की वैल्यू यहां पे हमने रख दी, 1 ये रहा साइन थीटा 20/29, कॉस थीटा 21/29, सेम वही प्रोसेसिंग, या एलसीएम 29 आया तो 29 की मल्टीप्लाई 1 में हुई 29, ये दोनों सेम थे तो -20 + 21, सेम वही प्रोसेसिंग नीचे हुआ, 29 में 20 गए 9 और 21 कितना हो गया 30 और यहाँ कितना आ गया 70, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3/7। क्लियर है, बाकी ये कर लेना। हम चलते हैं कल, जो कल पढ़ाया था, कल हमने क्या सीखा था, टेबल। अब टेबल का यूज सीखेंगे, देखना एक क्वेश्चन आता है यहां से, तो टेबल आपको याद ही करनी है, जो भी फंडे लगा के याद करो उसे उसी तरीके से कर लेना। चलो फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आरएस के हिसाब से एक्सरसाइज 11 है और एनसीईआरटी के हिसाब से नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, यानी कि इस पूरे में जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल का है, टेबल से अलावा और कुछ नहीं। जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये एक फॉर्मूला बनता है, तो हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन पहले 10th वाला ही तरीका है। 10th वाला तरीका क्या है कि हमने कल वैल्यूज याद की थी, साइन 60 की वैल्यू क्या लिखाई थी भैया आपने, √3/2। अब जो साइन 60 होता है वही कोस 30 होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, √3/2। फिर कोस 60 जो साइन 30 था, साइन 30 हमने याद किया था 1/2, वही क्या होता है कोस 60 1/2। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आएगा, ऐसे 1 की मल्टीप्लाई 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 4। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 3 + 1/4 यानी कि 4/4 और 4/4 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। बाकी इसे इसे आपको 10th में ऐसे ही करना है, फिर भी अगर आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब ये तो बहुत आसान हो गया कि भैया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये तो इसी फॉर्म में लिख रहा था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि कुछ नहीं करना, साइन ए प्लस बी कर देना है। साइन ए प्लस बी का मतलब 60 + 30, 60 + 30 90 और साइन 90 कितना था 1, तो आंसर कितना आ गया 1। समझ में आ गई बात, ये 10th है, ये 11th में फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ही है, बाद में आके अगर हमें कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। समझ में आ गई बात, इसको तुम्हें एक्स्ट्रा बॉक्स में लिखना है और इसे नोट करो। चलो एक और नॉलेज की चीज यहां तुम्हारे काम आ जाएगी, क्या समझे, कि प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा।
हो गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैं वही चीज बताऊंगा जो तुम्हारे लिए इजी है कि हाँ तुम इसको इजीली याद रख सकते हो, बाकी तो नहीं तो फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। देखना दूसरा क्वेश्चन सिर्फ मैं लिख रहा हूं, करोगे तुम खुद ही, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, साइन 60 इंटू इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। अरे दोनों तरीके से हो जाएगा, सीधा वैल्यू रखो एलसीएम ले लो, नहीं तो भैया इस बार साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है यानी कि 60 माइनस 30 यानी कि साइन 30 और साइन 30 होता है 1/2। नहीं तो तुम किस तरीके से, जो आपका प्रॉपर तरीका है उससे भी कर सकते हो, कैसे बताओ। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, रूट 3 अपॉन 2 और कोस 30 वही रूट 3 अपॉन 2, अरे यही तो आएगी माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 और साइन 30 भी कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, तो ये कितना आया रूट 3 अपॉन 4 आया और माइनस यहां भी रूट 3 नहीं 3 3 अपॉन 4 और यहां पे 1 अपॉन 4, तो ये आया 3 में से 1 गया क्योंकि एलसीएम सेम है, तो 2 अपॉन 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना आ गया 1/2, और हमारे मेथड से भी वही आ रहा था क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है किसका साइन ए माइनस बी, तो 60 माइनस 30 यानी कि कितना आ जाएगा साइन 30 और साइन 30 कितना होता है 1/2। अरे क्लियर है कि नहीं, चलो शाबाश। नेक्स्ट देखो, अब इस तरीके के तो मैं कर लेने हैं, अब चलते हैं स्क्वायर वाले में। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या है 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 45 माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का कितना 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो जो एक बार दिमाग में मेथड सीख लिया उसी को अप्लाई करो, बस कुछ नहीं करना है। cos 62 तो 2 है ही, ठीक है, cos 60, cos 60 कितना होता है अभी अभी समझा था कितना स्क्वायर है, तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया प्लस 3 इंटू साइन 45 कितना था 1 अपॉन रूट 2, स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया 3 इंटू साइन 30 साइन 1 अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया 2 इंटू कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो स्क्वायर आ गया, बस सोल्व करना है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 2 से इसको कैंसिल कर दो कितना आ गया 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, 2 2 जा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और माइनस कितना आ जाएगा 3, 6 और 2 8, 8 माइनस 3 क्या कितना हो जा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 4, क्लियर है, नोट करो। नहीं फॉर्मूला नहीं, वो तो सिंपल था कि भैया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जब उस फॉर्म में होगा तभी वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हो गया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9,
9 है cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और दूसरे ब्रैकेट में है sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। वैल्यू फाइंड करनी है तो जो पता है उसको बस अप्लाई करो कि जो जो वैल्यूज है वो यहां पर रख दो। सिंपल देखना, cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 45 1 by root 2 होता है, sin 30 1 upon 2 होता है, यहां पे sin 90 1 है, sin 90 1 है, cos 45 1 upon root 2 है और cos 60 1 upon 2 है। अरे क्लियर बात है कि नहीं? चलो अब एक तरीका तो है क्या कि हम इसको सोल्व कर लें भाई एलसीएम लेके। कुछ और भी तरीका है तो हमको लग रहा है कि भाई अगर हम a प्लस बी ए माइनस बी बना लें कि भैया कैसे कि हम ऐसा लॉजिक लगा लें। मैं ऐसा कहूं कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 को मैं एक साथ लिखूं, 1 अपॉन रूट 2 को मैंने यहां लिखा, मैं यही कहूं 1 प्लस 1 अपॉन 2 को यहां लिखो और माइनस 1 अपॉन रूट 2 को मैंने यहां पे लिखा। कैलकुलेशन कम कर रहा हूं मैं, ये एक है ये हाफ है, एक और हाफ का मतलब हो जाएगा डेढ़, डेढ़ का मतलब होता है 3/2, यहां 1 अपॉन रूट 2 और यहां पे भी 3/2 और माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। चलना 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 9 माइनस यहाँ कितना आएगा 2, 9 में 2 कितना बचा 7, तो आंसर कितना आ गया हमारा 7 अपॉन 4। क्लियर है? नोट करो। हो गया नेक्स्ट। तो 10th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट क्या है, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 और इसकी इसे दिखाना है हमको, शो करना है कि ये वैल्यू ओवरऑल किसके इक्वल आएगी, कॉस 30 के इक्वल आएगी। तो हमारा क्या काम है, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो प्रॉपर तरीके से तुम्हें करना है क्वेश्चन वहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कॉस 30 साइन 60 अपॉन में 1 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। अब इनकी वैल्यूज रखोगे, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, अरे यही तो होती है 1 प्लस साइन 30 1 अपॉन 2, कॉस 60 1 अपॉन 2, अरे यही तो हुआ। देखो ऊपर एलसीएम सेम है तो रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 अपॉन में कितना आया 2, 2 तो नीचे से कैंसिल ही हो जाएगा, चलो कर लेते हैं पूरा 2 आ गया अपॉन में, यहाँ एलसीएम 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2 अपॉन में कितना आया 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 रूट 3 अपॉन में 2 और 2 कितना आया 4, 2 2 जा और 2 2 जा 4 तो कितना आया क्या
2 × 2 × 4, तो कितना आया √3/2, और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, अरे किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, हमारी क्या है राइट हैंड साइड, क्लियर लिखो। हो गया, देखना नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 12th के, दो पार्ट हैं। अब यहां पे क्या है कि ये फॉर्मूले दे दिए इन्होंने जो हमारे 11th क्लास में यूज है, 11th में हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, और यहां क्या करा रहा है वेरीफाई करा रहा है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, दोनों ही तरीके से इनको अप्रोच लेनी है इनकी। कह रहा है कि अगर ए आपको एंगल दे दे 45 डिग्री, तो आपको वेरीफाई कराना है, क्या वेरीफाई कराना है कि साइन 2a इक्वल होता है 2 sin a इंटू किसके cos a के, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या वेरीफाई कराना है, cos 2a इक्वल्स टू 2 cos² a - 1, और दूसरा 1 - 2 sin² a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो 11th में पढ़ेंगे और 12th में इनका बहुत ज्यादा यूज है। ये दोनों ही क्या है हमारे फॉर्मूले हैं, एक साइन 2a का और cos 2a के, चार फॉर्मूले होते हैं, दो का इन्होंने यहां दे दिया और दो आपको बाद में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा काम इन्हें फॉर्मूला याद करना नहीं है, हमारा वर्क है इनको क्या कराना, वेरीफाई कराना। तो देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है साइन 2a है, तो साइन 2 × a कितना है 45 डिग्री, तो कुल मिला के कितना आया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हम क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है 2 sin a × cos a, तो चलो 2 sin a, साइन a कितना है 45, तो साइन 45 इंटू में क्या cos 45, साइन 45 कितना है 1/√2, और cos 45 भी कितना है 1/√2, रूट टू की रूट टू में मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ऐसे सेम हमें कौन सा पार्ट करना है, सेकंड पार्ट देखना। तो सेकंड पार्ट में हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया cos 2a आया, तो cos 2a की वैल्यू 45, तो cos 90 कितना होता है 0। चलो राइट हैंड साइड लेते हैं फर्स्ट वाली राइट हैंड साइड है हमारी 2 cos² a - 1, 2 cos² a की वैल्यू कितनी दी है 45 - 1, चलो बताना cos 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, हो गया वेरीफाई। ऐसे सेम किसको वेरीफाई कर लोगे 1 - 2 sin² a को, सेम है बिल्कुल। तो ये हमारे क्या है, ये उसने हमें तो फिलहाल तो यहाँ क्वेश्चन देके वेरीफाई करा लिए, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो 11th क्लास में पढ़ेंगे और इनका भरपूर यूज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, समझ में आ गई बात। तो आपको फिलहाल क्वेश्चन की तरीके से देखना है, लेकिन इनको ध्यान भी रखना है कि ये क्या भी होते हैं हमारे फॉर्मूले भी होते हैं, समझ में आ गई बात, नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, सारों में उन्होंने कौन से फॉर्मूला दे दिए जो 11th क्लास के अंदर है। कहीं पे जो मैं आपको पहले लिखा दिए साइन ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ऐसे ही फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाला, ऐसे ही होता है टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, तीनों के फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही साइन टू ए का एक फॉर्मूला ये है, एक और फॉर्मूला बनता है जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है वो टू टेन ए अपॉन में क्या वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू ए का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कॉस टू ए के मैंने आपको चार फॉर्मूले बताए, चार में से दो लिखे हैं, तीसरा वाला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फोर्थ वाला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चार फॉर्मूले होते हैं कॉस टू ए के, और दो फॉर्मूले होते हैं किसके साइन टू ए के, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे, और ये आपके आर एस अग्रवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में बाकी फॉर्मूलाज दिए हैं। ठीक है, चलो अब ये आपको वेरीफाई करने हैं खुद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखो, अब ये 12, 13, 14 और 15 सारे फॉर्मूलाज हैं, और ये आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वही सेम प्रोसेसिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 16, ये भी फॉर्मूला है। 16 में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कि टेन ए, टेन ए जो हमको दिया है वो कितना दिया है 1/3, टेन बी, अब के इसने एंगल ना देके टेन ए टेन बी की वैल्यू दे दी। ठीक है, एंड एंड क्या कह रहा है कि टेन ए प्लस बी जो है हमारा वो कितना है टेन ए प्लस टेन बी, यानी कि आपको ये फॉर्मूला दे दिया इसने खुद ही, क्योंकि अभी तो आपको आपने इन फॉर्मूलों को पढ़ा नहीं तो पता नहीं, तो उसने फॉर्मूला दे दिया कि भाई मैं बता रहा हूं आपको टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आपको क्या करना है शो करके दिखाना है, शो शो डेट, क्या शो करना है आपको कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 45 डिग्री के इक्वल आएगी। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चलो देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है। टेन ए टेन बी गिवन है, ये गिवन है, इसकी हेल्प से ये शो करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो ना कैसे करेंगे, इसको मैंने रफ कर दिया, हमारे पास सिर्फ टेन ए और टेन बी है, यानी कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये टेन ए प्लस बी ऐसे रहेगा, लेकिन मेरे पास वैल्यू है किसकी टेन ए की कितनी 1/3, मेरे पास वैल्यू है टेन बी की कितनी 1/2 अपॉन में वन माइनस टेन ए कितना है 1/3 और टेन बी कितना है 1/2। एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 6, ये इधर तो ये आया 2 और ये आया 3, फिर अपॉन में यहां पे भी एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहां पे 3 टू द 6 और माइनस कितना आ गया 1, 6 से 6 क्या हो गया 3 और 2 5 और 5 अपॉन 5 कितना आ गया 1, अरे कितना आ गया 1 आ गया। चलो तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये आया कि भाई tan a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। अब यहां अगले भी क्वेश्चन है कैसे, अगर इधर tan है तो हमें यह देखना है कि इधर टेन में ये वैल्यू किसकी होती है, हाँ यहां अगर साइन है तो हम चेक करेंगे साइन में किसकी वैल्यू होती है, इधर कोस है तो हम चेक करेंगे इधर वैल्यू कोस की कितनी होती है। तो टेन में वन किसकी होती है टेन 45 की, कल याद कराया था 45 टेन है यहां पे, तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या टेन 45 को बहुत समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, कंपेयर करते हैं इधर भी टेन ए प्लस बी है इधर टेन 45 है, तो जब कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी किसके इक्वल है 45 डिग्री के, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, समझ में आ गई। तो क्या करा था उसने, टेन ए टेन बी गिवन दिया था, साथ में फॉर्मूला भी दिया था कि टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आपसे हमने क्या किया इस फॉर्मूले को लिया वैल्यू पुट करी, यहां तक टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। तब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा है इधर आपको सोचना है कि उस वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसकी वैल्यू होती है, तो जो वैल्यू होती है वो हमने लिख दिया 10 45, तो 10 से 10 की कंपेयर हुई तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 45। क्लियर, नोट करो।
देखना 17, 18, 19 तीनों एक जैसे हैं 16 की तरह, जैसे इसमें कह रहा था यूजिंग फॉर्मूला, तो नेक्स्ट वालों में भी यूजिंग फॉर्मूला कह रहा है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं तीनों एक से, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30। तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखना कैसे करेंगे। कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि वो फॉर्मूला तो आपको दे रहा है, क्या फॉर्मूला दे रहा है कि कॉस ए इक्वल्स होता है किसके, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 के, कि ये हमने आपको दे दिया। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉस 30 की। कब करनी है, जब हमने आपको गिवन दे दिया क्या कि भाई कॉस 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, ये भी हम आपको दे रहे हैं। आपको फाइंड करना है क्या, कॉस 30, क्या फाइंड करना है, कॉस 30। इसका मतलब मुझे कॉस 30 फाइंड करना है तो मुझे ए की जगह क्या रखना चाहिए, 30। तो मैं करूंगा पुट ए इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री करना है। तो कॉस 30 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 इंटू कितना, 30 अपॉन में 2। तो भाई ये हमारा कितना आ गया, 1 प्लस कॉस 60 अपॉन में कितना, 2 आ गया। कॉस 60 की वैल्यू उसने हमको दी है, कितनी दी है, 1 अपॉन 2 दिया है और अपॉन में 2। ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आया कॉस 30 इक्वल्स टू रूट के अंदर ये 3 अपॉन कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको मैं निकाल लूंगा तो ये कितना आएगा, रूट 3 अपॉन 2। अरे यही होती है ना कॉस 30 की डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 अपॉन 2। अरे क्लियर, क्या करना था, कॉस 60 गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, कह रहा था कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब ए की जगह क्या करना है, 30, वो 60 कहता तो 60, 90 कहता तो वो 90 रख देते, सेम बस सोल्व किया और कॉस 30 कितना आ गया, रूट 3 अपॉन 2। ऐसे आया ये, यहां से तुम एलसीएम लोगे तो यहां आया 2 × 2 और 1 3/2 और अपॉन में पहले से क्या था, 2, तो 2 की 2 में क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, रूट 3/4। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा था, अभी अभी आपने पढ़ा था इनडायरेक्ट वे में। कैसे पढ़ा था इनडायरेक्ट वे में, अभी अभी कॉस 2 के फॉर्मूले आए थे, तो उसमें कॉस 2 का फॉर्मूला था 2 cos² a - 1। अब हमें कॉस ए चाहिए तो इसका मतलब 1 को मैं इधर लेके आऊंगा, जब मेरा 1 इधर आया तो 1 प्लस क्या हुआ, कॉस 2a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 cos² a। मुझे तो कॉस ए चाहिए तो 2 को हमें डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, तो यहां मल्टीप्लाई में तो 2 कहां चला गया, डिवाइड में। अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो वैल्यू कायम आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब वो फॉर्मूला वहीं से बना है कि कॉस ए होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। समझ में आ गई ना बात, नोट करो। हो गया, चलो अब इतना ही रखते हैं। करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है पिछले वाली एक्सरसाइज की भी और इस वाली एक्सरसाइज की भी, विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स करने हैं और एनसीईआरटी के भी कर लेना, जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। अपने साथ वाले जो भी बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, ठीक है। बस बाकी करते हैं कल।